गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्कूल मेंटोर पर। सो आज हमारी छुट्टी है और हमने प्लान किया है कि एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे किश्तवाड़ में। ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर यहाँ पर सुबह दिख रही होगी आपको, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। हाँ, मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए ऑन माई क्वार्टर टूर, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाँ, तो आज सबसे पहले करना है मुझे ब्रेकफास्ट, लेकिन ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं हमेशा ब्रेकफास्ट कराता हूँ, इसको कराता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले ये ज़रा यहाँ का सीन देखिए आप, रात भर यहाँ पर बारिश हुई है और अभी भी पूरी मिट्टी गीली है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। पूरा बारिश होने के बाद विजिबिलिटी और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाती है, तो आप देखिए सामने से कितना अच्छा व्यू मिलेगा आपको देखने को। ये है यहाँ का कुछ व्यू। धीरे धीरे यहाँ पर अभी फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो गए, तो ये वाला पेड़ आड़ू का है, सामने वाला एप्पल का पेड़ है, और यहाँ की सुबह देखिए कितनी सुंदर है बारिश होने के बाद रात भर जी। और सामने का व्यू देखिए आप एक बार, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड दिस इज माय क्वार्टर। टाइम थोड़ा सा कम है, तो आप देखिए मैं किसको ब्रेकफास्ट कराऊंगा, और उसके बाद जल्दी से मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगा, एंड आपको एक और नया व्लॉग मिलने वाला है। सो अभी बस कुछ ही देर में आपको यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई देने वाली हैं, थोड़ी ही देर में जितने भी बर्ड्स होंगे सब आती ही होंगी, और देखना आप कैसे वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और कितना ज़्यादा अच्छा ये सीन लगेगा देखने में। सो ये देखिए स्टार्टिंग हो चुकी है, ये आई हमारी पहली चिड़िया गुरसर, और ये सबसे ज़्यादा दबंग चिड़िया है यहाँ पर। आपको वीडियो के बीच में भी मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले आती है ये और चली जाती है, और जब बाद में छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पर आती है तो बीच में जब भी इसका मन करता है तो ये बीच में उड़ के आती है, और इसके आते ही बाकी चिड़िया डर के भाग जाती हैं। सो फाइनली हमारी गुरसर चिड़िया उड़ चुकी है। जो बेचारी बाकी छोटी छोटी चिड़ियाँ थी वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई देने वाली हैं। ये देखिए स्टार्ट हो चुकी हैं चिड़िया आना, और थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया दिखाई देने वाली हैं। जो कड़िया सो कजना एक दिन जो बनया सो टैना आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। जो कड़िया सो कजना एक दिन जो बनया सो टैना आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। चार दिना दा मेला इत्थे बोती देर नी बैना जो पीजेगा सादिक चले आयो ही वड़ना पैना। रखना पैन परावा पल विच जा दफनाउणा टुर जाना तैनू सबने छड़ के बहुता चिर नी लाउणा।
कोल नहीं रखना पैन परावा पल विच जा दफनाउणा टुर जाना तेनू सब ने छड़ के बोता चिर नी लाउणा मुक जाने सब चेड़े तेरे हेठ मिटी जद आउणा उस दिन साथ करुस्से नू तेनू किसे नी आउण मनाउणा उत्थे उत्थे अमलां दे होणे ने ना बेड़े किसे नी तेरी जात पुछणी छड दुनिया दे जगड़े चंबेले किसे नी तेरी जात पुछणी किसे नी तेरी जात पुछणी। सो ये देखिए, ये आ चुकी है हमारी दबंग चिड़िया की एंट्री हो गई है और इसके आते ही सब चिड़िया यहाँ से उड़ चुकी हैं। तो जब तक ये चिड़िया यहाँ पे खाएगी तब तक ये चिड़िया वापस नहीं आने वाली है। बाकी इसके जाते ही फिर से बहुत सारी चिड़िया यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। सो ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बालकनी में अगर आप बैठे हो सुबह और ये व्यू आप देख रहे हो, सो इससे अच्छी थेरेपी मुझे नहीं लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ होगी। की विंडो और विंडो खोलने के बाद कितनी ज़्यादा फ्रेश एयर अंदर आती है और यहाँ बैठकर आप नेचर का मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये व्यू यहाँ से, और सामने ही पहाड़, पेड़ और चिड़िया की आवाज़। आज मैंने डिसाइड किया कि ये जो वाटरमेलन थे मैंने पिछले हफ्ते लिया था, लेकिन मैं अब तक इसको खा नहीं पाया था, टाइम नहीं मिल पाया था खाने का। आज छुट्टी का भी दिन है और बनाने का भी कुछ ज़्यादा खास मन नहीं कर रहा है और टाइम भी कम है, बिकॉज आज घूमने का प्लान बनाया हमने। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता था यहाँ पर। विंटर स्टेशंस पर, स्पेशली किश्तवाड़ में, आपको पता नहीं होता कि आपकी बॉडी में स्केसिटी हो रही है वाटर की, आपको वाटर की ज़रूरत है और आप नहीं पी पाते हो फ्रीक्वेंटली वाटर को। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर इन योर बॉडी। मैं दो वाटरमेलन लेके आया था जिसमें से एक खराब हो गया था, उसको फेंक दिया मैंने, लेकिन इसको ख़राब मैं नहीं कर सकता था। सो एक ही साथ एक सिंगल सीटिंग में ही मैंने सोचा कि इसको फिनिश करूँगा। ब्रेकफास्ट बनाने का भी टाइम आज थोड़ा कम है, सो मैं आज आपको दिखाऊंगा जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं मॉर्निंग में स्पेशली क्या खाता हूँ। मैं बनाने वाला हूँ खुद के लिए सैंडविच। बिकॉज मेरे को सैंडविच भी खाना है अभी, और ये जितना भी बचा हुआ वाटरमेलन है
ये मैं रख दूंगा बाहर और इसको खाएंगे यहाँ पे चिड़िया। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें घी डालूंगा। तो चार ब्रेड इनफ होगी मेरे लिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी वाटरमेलन खा चुका हूँ। ब्रेड मैंने सेक ली है, अब मैं ये दिखाऊंगा कि मैं इसका सैंडविच कैसे बनाऊंगा। सो मैं आपको लेके चलता हूँ हॉल में। यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक बनाना, और उसके बाद फ्रूट जैम, उसके बाद क्रैनबेरीज, एंड फाइनली सनफ्लावर सीड्स। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, बिकॉज बनाना भी मीठा है अपने आप में, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा ये। बनाना को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ये जो ब्रेड है उसके स्लाइस के बीच में रखने वाला हूँ। जितने ज़्यादा आप पतला इसको कट करेंगे उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको ये हैंडल करना बाद में। अब सनफ्लावर सीड्स, देखने में काफी ज्यादा यमी लग रहा है ये, खाने में उससे भी ज्यादा यमी है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। जब भी टाइम की कमी होती है मैं या तो यही वाला सैंडविच बनाता हूँ या फिर मैं बनाता हूँ पनीर सैंडविच। आज पनीर नहीं था, मैं लाना भूल गया था कल। सो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और इसको और अच्छे से कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा हेल्दी कैसे बना सकते हैं, और ज़्यादा यमी कैसे बना सकते हैं, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन देना। सो अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा घूमने के लिए, और आपको एक नया ब्लॉग मिलेगा आज, एक नई जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे हम। तो मिलते हैं।